72 लोकसभा सीट से भाजपा ने नीरज शेखर पर भरोसा जताते हुए उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। वही जनपद वासियों में जश्न का माहौल है। आपको बता दें, इस खुशी में शामिल हुए बहेरी निवासी व्यापारी व समाज सेवी कहे जाने वाले करीमुल्ला खान ने कहा कि नीरज शेखर एक सामाजिक व्यक्ति और हर वर्ग की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। इनको टिकट मिलने पर खुशी महसूस हो रहा है। करीमुल्ला खान ने बताया कि अगर इनको चुनाव में जीत दिलाकर संसद में भेजते हैं तो बलिया का चौमुखी विकास होगा। मैं अलमिराज परार का मुखिया और बड़ी समाज सेवी लखनऊ रोड बहेरी बलिया का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे, अब 72 लोकसभा सीट पे अब नीरज शेखर को प्रत्याशी बना दिया गया है, बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। बलिया जनपद के लिए बड़ी खुशी की बात है कि नीरज शेखर जैसे प्रत्याशी को भाजपा ने चुना है, उनको प्रत्याशी घोषित किया है। ये हम और हमारे समाज और इस जनपद का बहुत बड़ा ये खुशी का दिन है। कैसे व्यक्तित्व के आदमी है वो? देखिए, पहले तो पहचाने गए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लड़के माननीय नीरज शेखर जी द्वारा पहचान किया गया। लेकिन राजनीति, चूंकि पैतृक पिताजी भी राजनीतिक रहे और उन्होंने उनके गुजरने के बाद ये राजनीतिक कमान संभाला और जनपद में अच्छा संदेश देने का जनता जनादे के बीच काम किए, चाहे जिस पार्टी से रहे, समाज का, बलिया जनपद का, समाज का कमजोर वर्ग को दो कदम साथ में साथ चलने का काम उन्होंने किया है। उनके द्वारा ये छवि है कि वो है तो जात से छत्री, लेकिन पर्सनल उनके दिलो दिमाग या उनके व्यवस्था में, राजनीतिक प्रकरण में उनके यहाँ जातिवाद नहीं है। उनके यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, गरीब, अमीर, राजा, रंग, भिखारी, जो भी उनके दरवाजे पर जाता है उनकी भली भांत सुनने और पहचानने का काम करते हैं। तो उनका काम करने का वो उनका तरीका है। 2007 चंद्रशेखर जी के गुजरने के बाद दो बार उन्होंने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से, इस बार सांसद भी रहे बीजेपी से राज्यसभा के जी। अब बीजेपी ने उनको चुना है, जिस तरह से उन पे भरोसा किया है तो उसके उनके भरोसे पे कितना खरा उतरेंगे आज? देखिए, पार्टी तो हिंदुस्तान का दर में पार्टी आना जाना बदलना ये तो प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन आज जो बलिया जनपद में 72वां लोकसभा सीट से जो प्रत्याशित हमारे माननीय नीरज सिंह को चुनाव किया गया है भाजपा के बैनर तले, यह एक सौभाग्य की बात है बलिया जनपद के लिए। इसलिए कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज को अच्छा रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अगर हम सर्व समाज मिलकर इनको जिताने का काम करें और हम लोग इनको सांसद बनाकर इनको लोकसभा तक भेजने का काम करें तो बलिया का विकास हर प्रकार का संभव है। समाज के बीच रहे हैं, टिकट मिलने के बाद बीजेपी ने नीरज शेखर को टिकट दिया, कितने जनपद वासियों में खुशी का माहौल है? देखिए, आज बहुत लहर है, जहां तहां पड़ाका फूट रहा है, जहां तहां खुशियां बना रहे हैं। बलिया से UP60 न्यूज के लिए विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।